हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फिफ्थ की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, राग दीपक जिसका नाम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले आपके पास ये बुक होगी, ठीक है, और इस पर आप आ जाएंगे पेज नंबर 14 पर आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 दिख रहा होगा राग दीपक नाम से। ठीक है बच्चों, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग को यही चैप्टर अभी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि तानसेन के बारे में, तानसेन क्या थे, उनका नाम क्या था, वो कैसे थे, व्यक्तित्व कैसा था, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी। और नेक्स्ट पेज पर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग को मूव करना था। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। लिखा हुआ है तानसेन कौन थे बच्चों, तानसेन एक पोएट थे मान लो। ठीक है, वो सिंगर भी थे, मतलब कि गाना वाना गाते थे। ठीक है, और वो महारत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं। लिखा वो अकबर, देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग व्हेन एवर ही प्लीज्ड। अकबर जो थे वुड कॉल अपॉन, बुलाते थे। ठीक है, मतलब कि बुलाते, ठीक है, तानसेन को बुलाते टू सिंग, मतलब गाने के लिए। व्हेन एवर ही प्लीज, जब कभी वह खुश होते थे। प्लीज बच्चों, यहाँ पर एक होता है खुश होना। ठीक है, व्हेन एवर ही प्लीज, PPLEASE प्लीज। प्लीज का मतलब होता है बच्चों, एक तो होता है कृपया वाला प्लीज, वो वाला प्लीज नहीं है। ये प्लीज का मतलब होता है खुश होना। क्या होता मतलब इसका? खुश होना। जब कभी अकबर खुश होते थे, ठीक है, तो किसको बुलाते थे? तानसेन को बुलाते थे गाना गाने के लिए। ठीक है, नाइट और डे, दिन या रात कभी बुला देते थे। नाइट और डे, दिन या रात कभी भी बुला देते थे। दिस हाउ एयर मेड अदर कोर्टियर्स जेलियस। ठीक है, दिस मतलब क्या? तानसेन को बुलाना। ठीक है, हाँ, दिस मतलब यह कि तानसेन को जब खुश होने पे बुलाया जाना, हाउएर मेड अदर कोर्टियर्स जेलियस। ठीक है, हाउएर मतलब किसी तरीके से दूसरे कोर्टियर्स को बुरा लगने लगा, मतलब कि उनसे जेलस फील होने लगा। ठीक है, तो पहले मीनिंग लिखो फिर इसका मतलब समझाता हूँ। कोर्टियर्स, COURTIERS, कोर्टियर्स मतलब दरबारी। क्या होगा? दरबारी। ठीक है, दरबारियों, एस लगा हुआ, दरबारियों। ठीक है, और जेलस, JEALOUS, जेलस। जेलस का मतलब होता है बच्चों ईर्ष्यालु। ठीक है, क्या मतलब हुआ ईर्ष्यालु? मतलब टू हेट। ठीक है, टू हेट मतलब जलन करने लगना। क्या हुआ कि जब उसको तानसेन को राजा अकबर बुलाते थे, तो और जो दरबारी थे, जो दूसरे रत्न थे, उनको जेलस फील होता था, उनको बुरा लगता था कि अरे इसी को क्या बुलाते हैं बार बार, हमें तो बुलाते ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरे लोगों को उसे चिढ़ होने लगी थी। क्या होने लगी थी? चिढ़ होने लगी थी। जाहिर सी बात है, चिढ़ होगी बच्चा। जैसे आपके मान लो कोई पड़ोसी है, आपका कोई पड़ोसी है, फ्रेंड है आपका, तो अगर उसको कुछ नई चीज़ मिल जाती है ना, तो आपको भी जलन होता है, तो उसे बोलते हैं जेलस। क्या बोलते हैं? जेलस। आपको भी लगता है नहीं मुझे भी चाहिए, कैसे उसके पास आ गया मेरे पास नहीं आया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जेलस बोलते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। लिखा हुआ है दे ट्राइड इन मेनी वेज, उन्होंने कई तरीकों से प्रयास किया। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द किंग्स अफेक्शन, राजा के लगाव को ख़त्म करने का उन्होंने कई बार प्रयास किया फॉर तानसेन के लिए। फिर समझना, दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया। क्या प्रयास किया? इन मेनी वेज, कई तरीकों से उन्होंने प्रयास किया। टू डिस्ट्रॉय मतलब खराब करना, टू डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना या खराब करना। द किंग्स अफेक्शन फॉर तानसेन, तानसेन के लिए, राजा के प्यार को उन्होंने खराब करने के लिए बहुत बार सोचा। बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो पहले इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखो, पहले इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है इसमें? दे ट्राइड इन मेनी वेज टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? DESTROY, डिस्ट्रॉय मतलब होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बच्चों खत्म करना या फिर खराब करना। ठीक है, और बच्चों क्या लिखा हुआ है? अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है बच्चों प्यार या फिर लगाव या फिर
अट्रैक्शन, क्या बोल देंगे, अट्रैक्शन, Attractionअट्रैक्शन, ठीक है। उन्होंने उन्होंने तानसेन के लिए राजा के प्यार को ख़त्म करने का बहुत सारे प्रयास किए, बहुत तरीक़ों से प्रयास किए, बट डिड नॉट सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, SUCCEED, सक्सीड मतलब होता है सफल होना, सफल होना, लेकिन सफल नहीं हुए, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुए। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपके बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, देन वन ऑफ देम हैड ए ब्राइट आइडिया, तब उनमें से एक के पास ब्राइट आइडिया आया, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक मतलब कि अच्छा सा आइडिया आया। ब्राइट आइडिया का मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा सा आइडिया आया, ठीक है। आइडिया मतलब उपाय, आइडिया मतलब उपाय, आइडिया, IDEA, आइडिया, आइडिया मतलब क्या होता है बच्चों, उपाय, एक अच्छा सा उपाय आया, क्या उपाय आया, ठीक है। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ठीक है, चलो उससे राग दीपक गवाते हैं, ठीक है। बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, अब आपके तो समझ में आएगा नहीं फिलहाल, देखो कहाँ गया। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, चलो उससे राग दीपक गवाते हैं। देखो बच्चो, सिंग मतलब क्या होता है, गाना, सिंग मतलब गाना, लेकिन गवाने का क्या मतलब होगा, तो मेक हिम सिंग, क्या लिखा हुआ है, मेक हिम सिंग मतलब कि गवाना, क्या बोलेंगे, चलो उससे गवाते हैं, गवाना वो अगर गवाना नहीं, गाना गवाना, ठीक है, गाना गवाना, ठीक है, उसको बोलेंगे मेक हिम सिंग। अब केवल गाना का मतलब क्या होता है, सिंग, बात समझे, समझे बेटे, थोड़ा सा आप छोटे हो इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने एक बार चर्चा कर दी है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स मेक हिम सिंग, चलो उससे गवाते हैं, क्या, राग दीपक, ही सेड, उसने कहा, जिसके मन में ब्राइट आइडिया आया था, उसने कहा चलो उससे राग दीपक गवाते हैं। हु एवर सिंग्स दिस राग प्रॉपरली, जो कोई भी इस राग को ठीक प्रकार से गाता है, विल गेट बर्न ड्यू टू हीट, ठीक है, वो आग से जलकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा, कि जो कोई भी इस राग दीपक को सही सही गा देगा, वो जलकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग बन रही है बच्चों, देखो, ठीक है, Whoever sings this राग properly, properly का क्या मतलब होता है बच्चों, PROPERLY, properly का मतलब होता है बच्चों ठीक प्रकार से, ठीक प्रकार से, बात समझे, ठीक प्रकार से, जो इस गाने को ठीक से गाता है, ठीक है, विल गेट burnt, जल जाएगा, burn मतलब जल जाना, BURN, बी बच्चा ये बी हुआ, BURN, burn, burn का मतलब होता है जल जाना, जो ठीक प्रकार से इस गाने को गाएगा, विल गेट बर्न ड्यू टू हीट, गर्माहट की वजह से क्या होगा, वो मर जाएगा, हीट मतलब, हीट मतलब गर्माहट, गर्माहट या फिर ऊष्मा, ठीक है, वो ऊष्मा से मर जाएगा, गर्म हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है, जो कोई भी ठीक से गा देगा। दे ऑल एग्री टू द प्लान, वे सभी इस प्लान से क्या हो गए, सहमत हो गए, ठीक है, क्या हो गए, सहमत हो गए, ठीक है। दे ऑल एग्री, एग्री का क्या मतलब होता है बच्चों, एग्री, AGREE, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, वे सभी इस प्लान से सहमत हो गए, सहमत होना, वे सभी इस प्लान से सहमत हो गए। एंड वेंट फर्स्ट टू अकबर्स डॉटर, और पहले अकबर की पुत्री के पास गए, एंड वेंट फर्स्ट टू अकबर्स डॉटर, और सबसे पहले वे कहाँ चले गए, अकबर के पास नहीं गए, अकबर की पुत्री के पास गए, ठीक है, चलो। द इम्परर थिंग्स, उन्होंने उससे कहा, द इम्परर थिंग्स, इम्परर का मतलब क्या होता है, चलो बता देता हूँ पहले, इम्परर थिंग्स मतलब बादशाह सोचते हैं तानसेन इज द ग्रेटेस्ट सिंगर, ये तानसेन जो है वो सबसे बड़े सिंगर हैं इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़े सिंगर हैं, बट ही, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, द इम्परर, इम्परर का क्या मतलब होता है बच्चों, EMPEROR, इम्परर का मतलब होता है बच्चों बादशाह, या फिर राजा, या फिर लिख लेना किंग, तीनों बात एक ही है, चारों बात एक ही है, ठीक है, KING बच्चों, KING, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, इम्परर थिंक्स, इम्परर सोचते हैं, राजा सोचते हैं तानसेन इज द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, कि तानसेन जो है इस संसार में सबसे बड़े राजा हैं, सिंगर हैं। बट ही कांट बी कॉल्ड ए ग्रेट ग्रेट सिंगर अनटिल ही सिंग्स राग दीपक, लेकिन उन्हें उन्हें अच्छा सिंगर तब तक नहीं बुलाया जाना चाहिए जब तक वो राग दीपक नहीं गा देते, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो तिगड़म वाले थे, जो राजा जो अकबर तानसेन के खिलाफ जलने वाले थे, वो कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, वो पहुँचे राजा की बेटी के पास। अब उसको वो लोग चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं कि राजा सोचते हैं कि वो सबसे बड़ा सिंगर है, लेकिन भैया वो बड़ा सिंगर तब तक नहीं होगा जब तक वो राग दीपक नहीं गा देता, बात समझे। तब उसके बाद देखते हैं रानी ने क्या कहा, दे सेट टू हर, इन लोगों ने उस अकबर की पुत्री से बात कह दी, द प्रिंसेज वॉज इंट्रीग्यूड, द प्रिंसेज वॉज इंट्रीग्यूड, वाट इज राग दीपक, वाट इज राग दीपक, ठीक है। इंट्रीग्यू इसका लिखना है बच्चों, इंट्रीग्यू का मतलब लिखना है बच्चों, इंट्रीग्यूड का मतलब होता है बच्चों, लिखना है इसका मतलब, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ही इंटरेस्टेड होना, ठीक है। क्या कहा रानी जो है, इस चीज में बड़ी इंटरेस्टेड हो गई कि व्हाट इज राग दीपक, कि राग दीपक क्या है, उन्होंने पूछा, उन्होंने वो बहुत इंटरेस्टेड हो गई किस में, इस बात में, और उन्होंने पूछा कि राग दीपक क्या है, ठीक है। देयर्स फायर इन द हार्ट ऑफ द सिंगर, ठीक है, हु सिंग्स दिस राग, दे एक्सप्लेन, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि देयर इज फायर इन द हार्ट ऑफ सिंगर, गायक के शरीर में, गायक के मतलब दिल में आग होती है जो इसके गाता है, जो इसे गाता है, उन्होंने ऐसा कहा। द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक इज सच दैट, कि इस म्यूजिक की सुंदरता ऐसी है कि दिस फायर लाइट ऑन द नियर बाई लैम्प्स, ठीक है, और यह है नज़दीक के लैंपों को क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। इट्स आवर ग्रेटेस्ट विश दैट तानसेन वुड सिंग दिस राग, यह हमारा सबसे बड़ी इच्छा है कि तानसेन इस राग को गाएं। देखो उन्होंने कितनी चलाकी से बात को पलटा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जल जाएगा, उन्होंने ये बताया कि अगर जो राग दीपक गाता है उसके दिल में बहुत सारा आग होता है, ठीक है, और इससे हमारे सारे लैंप जल जाएंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो एक महान राजा है और हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें। देखो कितने प्यार से उसको फंसा रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर द प्रिंसेस वेंट स्ट्रेट टू हर फादर, यह सुनकर रानी जो थी, मतलब कि राजकुमारी जो थी, वो सीधे अपने पिताजी के पास गई। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट का मतलब होता है STRAIGHT, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, वो सीधा कहाँ गई, अपने पिता के पास, ठीक है, किसी और से कोई बात नहीं कि सीधा अपने पिताजी के पास पहुँच गए। तो बच्चों पहले आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसे डिलीट करके, ठीक है, जल्दी से नोट करो आप इसे। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो चलो इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, चलो आ जाओ लिखो आगे। देखो अकबर वुड नेवर डिनाई हिज डॉटर्स एनी विश, ठीक है, अकबर जो है वो
राजा की बेटी की कोई बात नहीं टालेंगे, एनी विश मतलब एनी इच्छा, ठीक है, एनी विश का मतलब, विश मतलब इच्छा होती है, विश मतलब क्या होती है बच्चों, इच्छा, वह राजा की बेटी की कोई भी इच्छा नहीं टालेंगे, ठीक है। सो ही कॉल्ड तानसेन, इसलिए उन्होंने तानसेन को बुलाया एंड आस्क्ड हिम टू सिंग राग दीपक, और उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा कि राग दीपक गाओ, ठीक है। माई लॉर्ड तानसेन सेड, तानसेन ने कहा माई लॉर्ड, व्हेन ही हर्ड अकबर्स विश, तानसेन ने कहा माई लॉर्ड, जब अकबर, जब तानसेन ने अकबर की बात सुनी, डोंट आस्क मी टू सिंग राग दिस राग, मुझे यह राग दीपक कहने गाने के लिए मत कहिए, आई कैन सिंग एनी थिंग इल्स यू वॉन्ट टू मी, आप मुझसे इसे छोड़कर जो कहें वो गा दूंगा। उन्होंने कहा कि राजा साहब, डोंट आस्क मी टू सिंग दिस राग, मुझे यह राग गाने के लिए मत कहिए, आई कैन सिंग एनी थिंग, मैं कुछ भी गा सकता हूँ, एल्स यू वॉन्ट टू मी, वॉन्ट मी टू, आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं सब गा दूंगा इसे छोड़कर। इल्स का क्या मतलब होता है, इसे छोड़कर, इल्स मतलब ई एल एस सी, इल्स मतलब होता है जो दूसरा, इस मतलब दूसरा, ठीक है, ओके। बट अकबर वॉज एडामेंट, लेकिन अकबर अटल थे, दैट ही ओनली वॉन्ट टू लिसन राग दीपक, लेकिन अकबर अटल थे कि उन्हें केवल राग दीपक ही सुनना है। एडामेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, एडामेंट, ए डी ए एम ई एन टी, एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है बच्चों अटल, लेकिन जो तानसेन थे वो अटल थे, अटल का मतलब क्या होता है, जो अड़ गए थे कि नहीं मुझे यही सुनना है भाई, तो मुझे दूसरा कुछ क्यों सुनाओगे, मुझे सुनना ही नहीं है, ठीक है। आई विल नो लॉन्गर थिंक यू टू बी द ग्रेटेस्ट सिंगर इफ यू डोंट सिंग दिस राग, उन्होंने कहा कि भैया मुझे यही राग दीपक सुनना है, आई विल नो लॉन्गर थिंक, मैं इससे ज़्यादा नहीं सोचूंगा, यू टू बी द ग्रेटेस्ट सिंगर, तुमको इससे ज़्यादा नहीं सोचूंगा, इफ़ यू डोंट सिंग दिस राग, यदि आप यह गाना नहीं गाते हैं तो मैं नहीं समझूंगा कि आप सबसे ग्रेटेस्ट हैं। बात समझे, अब राजा ने भी फंसा दिया उसको कि अगर आप ये गाना नहीं गाएंगे तो मैं आपको मानूंगा ही नहीं कि आप सबसे बड़े राग दीपक, मतलब सबसे बड़े सिंगर हैं इस दुनिया के, ठीक है। ही थ्रेटेंड, उन्होंने धमकाया, उन्होंने क्या किया, धमकाया। एडामेंट मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, थ्रेटन का क्या मतलब होता है, टी एच आर ई ए टी ई एन, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब धमकाना, उन्होंने क्या धमकाया, धमकाया ये कि अगर आप ये नहीं गाएंगे तो हम मानेंगे ही नहीं कि आप एक अच्छे सिंगर हैं। चलो, तानसेन हैड नो चॉइस, अब तानसेन के पास कोई चारा नहीं बचा था, चॉइस मतलब ऑप्शन या चारा, ऑप्शन, चॉइस, सी एच ओ आई सी, चॉइस, चॉइस मतलब, चॉइस मतलब बच्चों, चॉइस मतलब ऑप्शन, चॉइस मतलब ऑप्शन, अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तानसेन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बट टू एग्री, एग्री के अलावा, एग्री करने के अलावा उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। ही आस्क्ड फॉर सम टाइम टू प्रिपेयर, उन्होंने तैयारी करने के लिए कुछ समय मांगा, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर, पी आर ई पी ए आर ई, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, उन्होंने तैयारी करने के लिए कुछ वक्त मांगा, ठीक है, आ जाओ। एंड लेफ्ट द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट छोड़ दिया, कोर्ट मतलब दरबार, कोर्ट मतलब दरबार, सी ओ यू आर टी, सी ओ यू आर टी, कोर्ट मतलब बच्चों दरबार, उन्होंने दरबार क्या कर दिया, छोड़ दिया, उन्होंने दरबार क्या कर दिया बच्चों, छोड़ ही दिया, ठीक है। ही रीच्ड होम इन ए थॉटफुल मूड, उन्होंने, वे घर पहुंचे इन ए थॉटफुल मूड, मतलब कि वो सोचते हुए घर पहुंचे, मतलब कि वो चिंतित थे इस बात को लेके, ठीक है, कि अगर मैंने गा दिया तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, ठीक है। व्हाट वुड ही डू नाउ, अब वह क्या करेंगे, अब वह क्या करेंगे, सडनली ही हैड आइडिया, अचानक उनके पास एक आइडिया आया, अचानक उनके पास एक आइडिया आया, ठीक है। सडनली, एस यू डबल डी, एस यू डी डी ई एन एल वाई, सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब बच्चों अचानक उनके दिमाग में क्या हुआ, एक आइडिया आया, उनके दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है। वाट इफ समवन सिंग राग मल्हार एट द सेम टाइम, क्या हो यदि उसी टाइम कोई राग मल्हार गा दे, ठीक है, जैसे जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ तो उस समय मेरे अंदर आग पैदा हो जाएगी, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, ऐसा हो सकता है कि उसी टाइम पे कोई राग मल्हार गा दे, ठीक है। अब देखते हैं राग मल्हार क्या होता है।
इफ इट इज संग प्रॉपरली, यदि यह सही से गाया जाए, इट वुड ब्रिंग रेन टू पुट आउट द फायर ऑफ राग दीपक। अगर राग मल्हार को, राग मल्हार को गाया जाए सही तरीके से, तो यह बारिश कर देगा टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए, ऑफ राग दीपक। अगर कोई उसी टाइम पर राग दीपक गा देगा ना, राग मल्हार गा देगा, तो राग दीपक से जो आग बनेगी वो उसको बुझा देगा। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं मीनिंग यहाँ पे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग, रेन टू पुट आउट, पुट आउट मतलब बच्चों बुझाना, पुट आउट, पी यू टी पुट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है, आग बुझाना, सॉरी आग बुझाना, क्या होगा, आग बुझाना, आग बुझाना, ठीक है, आग बुझाना किसका, राग दीपक का, राग दीपक से जो आग निकलेगा उसे बुझा देगा। ही इमीजिएटली, इमीजिएटली बच्चों ये लिखा हुआ इमीजिएटली, ठीक है, आई एम एम ई आई एम एम ई डी आई ए टी ई एल वाई, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक, तुरंत, सॉरी तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, कॉल्ड ही डॉक्टर, तानसेन ने तुरंत ही अपनी पुत्री को बुलाया, सरस्वती एंड हर फ्रेंड, और उसकी दोस्त को बुलाया, सरस्वती जो उनकी बेटी थी और उसकी एक दोस्त को बुलाया, रूपवती, दोनों को बुलाया, फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, गाना गाने के लिए, उन्होंने तुरंत जो है रूपवती को अपना गाना गाने के लिए बुला लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के बाद, ही टॉट देम राग मल्हार, उन्होंने उन दोनों को क्या किया, राग मल्हार सिखा दिया, राग मल्हार गाना क्या कर दिया, सिखा दिया कि कैसे राग मल्हार गाया जाएगा। द गर्ल्स वर क्विक, लड़कियां तेज थीं, क्विक लर्नर्स मतलब कि तेज सीखने वाली, ठीक है, क्विक, क्विक मतलब होता है तेज, क्यू यू, सही से लिखता हूँ बच्चों, क्यू यू आई सी के, क्विक, क्विक का मतलब होता है तेज, लर्नर एल ई ए आर एन ई आर, लर्नर, लर्नर का मतलब होता सीखने वाला, वो दोनों क्विक लर्नर थी, तेज सीखने वाली थी, बहुत तेजी से किसी भी चीज़ को सीख लेती थी। ठीक है, एंड प्रैक्टिस डे एंड नाइट, और दिन रात अभ्यास किया, प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है बच्चों, अभ्यास करना, प्रैक्टिस पी आर ए सी टी आई एस ई, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, और उन्होंने जल्दी से सीख लिया और दिन रात अभ्यास करने लगी। ठीक है भाई, पिताजी की जान बचानी थी, टू परफेक्ट देयर सिंगिंग, अपने गाने को परफेक्ट करने के लिए वो जल्दी से उसे सीखा और दिन रात उसकी प्रैक्टिस करने लगे। द डे फिक्स्ड फॉर द कॉन्सर्ट अराइव्ड, ठीक है, द डे फिक्स्ड फॉर द कॉन्सर्ट अराइव्ड, कॉन्सर्ट का क्या हुआ, दिन आ गया, मतलब कि जिस दिन कार्यक्रम होना था वो दिन आ गया। द एंटायर सिटी गैदर टू हियर तानसेन, द एंटायर, एंटायर क्या मतलब होता है बच्चों, ई एन टी आई आर, एंटायर, एंटायर का मतलब था पूरा शहर, एंटायर मतलब पूरा, पूरा शहर जो था वो इकट्ठा हो गया किसके लिए, तानसेन को सुनने के लिए, तानसेन को सुनने के लिए, तानसेन के गाने को सुनने के लिए पूरा जो गांव था, पूरा शहर था, वो इकट्ठा हो गया। इट वॉज डस्क एज तानसेन बिगेन सिंगिंग, ठीक है, इट वॉज डस्क, अंधेरा छाना, डस्क मतलब क्या होता है, अंधेरा होना, ठीक है, अंधेरा छाना, डस्क, डस्क मतलब क्या होता है बच्चों, अंधेरा छाना, डस्क मतलब अंधेरा छाना। जब तानसेन ने गाना शुरू किया तो अंधेरा छाने लगा, ठीक है, सून पीपल फेल्ट द एयर गेट वार्म, जल्दी ही लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जो हवा है वो गर्म हो रही है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसे, चलो, द पीपल फेल्ट द एयर गेट वार्म, लोगों ने महसूस किया कि हवा गर्म हो रही है। देन दे स्टार्टेड परस्परिंग, तब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, परस्परिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, परस्परिंग बच्चों इसका मीनिंग लिखेंगे, परस्परिंग,
दे स्टार्टेड परस्पायरिंग 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 का क्या मतलब होता है बच्चों? परस्पायरिंग मतलब पसीना आना, वो तुरंत पसीना पसीना होने लगे, पसीना आना, उन्होंने पसीना आना शुरू कर दिया, उनके पसीना आने लगा। द लीव्स ऑफ नियर बाई ट्रीज ड्राइड अप, ठीक है। द लीव्स, लीव्स मतलब बच्चों पत्तियाँ, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ, कहाँ की पत्तियाँ, नियर बाई ट्रीज, आस पास के पेड़ों की पत्तियाँ, ठीक है। ड्राइड अप एंड फेल, पत्तियाँ ड्राई अप, ड्राई अप का मतलब क्या होता है बच्चों, सूख जाना, ड्राई अप मतलब सूख जाना, पत्तियाँ क्या होगी पेड़ों की, सूख गई, ठीक है, सूख जाना और गिर गई, ठीक है। वाटर बिगेन टू बॉयल, जो पानी थे वो उबलना शुरू कर दे, बॉयल मतलब उबलना, बी ओ वाई एल, जब किसी पानी को बच्चों आप गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, क्या बोलेगा, उबलने लगेगा, उसे बोलेंगे बॉयल, पानी उबलने लगा। एज तानसेन वेंट ऑन सिंगिंग, जैसा कि तानसेन गाते ही जा रहे थे, मतलब तानसेन गाते रहे और ये सब चीज़ें होती रहीं। देन इट हैपेंड, तब ऐसा हुआ, फ्लेम शॉट आउट एंड लिट द लैम्प, ठीक है, तब ऐसा हुआ कि फ्लेम्स निकले, मतलब कि फ्लेम्स का मतलब होता है ज्योति, ठीक है, मतलब फ्लेम मतलब बच्चों होता है जो ज्वाला होती ना, जो आग की ज्वाला होती है, ठीक है, वो निकलने लगी, ठीक है, और लैंप जो हो गए वो जल गए, ठीक है। एंड लिट द लैंप, और लैंप जल गए, द पीपल अप्लाउडेड, लोगों ने प्रशंसा की, अप्लाउड, ए पी पी एल ए यू डी, अप्लाउड मतलब प्रशंसा करना, लोगों ने क्या की, प्रशंसा की, किसकी, तानसेन की प्रशंसा की। एज प्लान, जैसा कि प्लान किया गया था, दिस वॉज द सिग्नल सरस्वती एंड द्रौपदी वेयर सिंगिंग फॉर, ठीक है, वेयर वेटिंग फॉर, और यही यही चिन्ह था, जब लोगों ने तालियां बजाई तो यही चिन्ह था, जैसे ही उनको सिग्नल मिला, सरस्वती और द्रौपदी जिसके लिए वेट कर रही थी, मतलब कि उनको अब गाना गाना था, कौन सा, राग मल्हार गाना था। एज दे बिगेन सिंगिंग राग मल्हार, जैसे ही उन्होंने राग मल्हार गाना शुरू किया, द स्काई गॉट क्लाउडेड, आसमान जो था वो बादलों से घिर गया। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, और तभी वर्षा होने लगी। द रेन पुट आउट द हीट, रेन ने आग को बुझा दिया। एल अराउंड एंड द तानसेन वर सेव्ड, और जो बारिश हुई उसने चारों ओर के आग को बुझा दिया और तानसेन क्या हुए, बच गए, ठीक है, तानसेन क्या हुए, बच गए। द स्टोरी गोज दैट तानसेन वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और आगे कहानी यह है कि तानसेन इसके बाद बहुत बीमार हो गए। दिस मेड अकबर रियलाइज ही हैड बीन रॉन्ग इन फोर्सिंग हिम टू सिंग सच ए लाइफ थ्रेटनिंग राग, और जब उनको बीमारी हो गई, कुछ दिन के लिए बीमार हो गए, तब राजा अकबर को लगा कि उनको ये राग, ऐसा राग गाने के लिए जिसमें जान का खतरा हो, ये गलत था, मतलब कि उन्होंने गलती की उनको जबरदस्ती राग मल्हार, राग दीपक गवा के। ही अपोलोजाइज तानसेन, उन्होंने तानसेन से माफ़ी मांगी। एंड पनिश द कर्टियर्स, और उन दरबारियों को दंडित किया, हु वर हिज इनमी, जो उनके दुश्मन थे। When तानसेन got well, the entire city rejoiced, जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरी जो सिटी थी वह रिजॉइस हो गई, मतलब हंसी खुशी में फिर से हो गई। बच्चों बात समझ गए, तो ये थी पूरी आपकी तानसेन जी की कहानी, ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखिए और धीरे 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 नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।